बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंटी सीजर ड्रग्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटी सीजर या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को कवर करने वाले हैं। तो आपको पता है कि सीजर और एपिलेप्सी में क्या फर्क होता है। सीजर क्या होता है? सीजर एक क्या होता है? एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है सेरिब्रल न्यूरोन का, और वो लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरिब्रल न्यूरोन इज कॉल्ड सीजर। उस सीजर को बार बार रिपीट होना, रिकरेंट सीजर को बोलते हैं एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी क्रॉनिक है जबकि सीजर एक्यूट होते हैं। एपिलेप्सी रिकरेंट सीजर्स होते हैं जबकि सीजर क्या होते हैं? लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और इसके अंदर आपके सेरिब्रल न्यूरॉन की एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए एबनॉर्मल हो जाती है, कुछ ज्यादा एक्सेसिव हो जाती है। आपने एक बात सीएनएस के अंदर नोट करनी है कि जो हम सीएनएस फार्माकोलॉजी में ड्रग्स पढ़ते हैं, मेनली ड्रग वो डिप्रेसेंट होती है, वो सीएनएस की एक्टिविटी को डिप्रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल सीडेटिव हिप्नोटिक, ये भी सीएनएस की एक्टिविटी को डिप्रेस करती है। अल्कोहल भी कम करती है, एंटी सीजर कम करती करती है। एनेस्थेटिक भी सीएनएस की एक्टिविटी को कम कर देती है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो पेरिफेरल और सीएनएस दोनों पे जाके काम करते हैं। पार्किंसिनिज्म की ड्रग्स भी डिप्रेसेंट होती है। जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं ये भी क्या करती है? डोपामिन और नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ा देती है। लेकिन सिर्फ एक ड्रग या एक क्लास ऐसी है जो डिप्रेसेंट नहीं होती। एक वो है एंटी डिप्रेसेंट और दूसरा ड्रग ऑफ एब्यूज। ये दोनों क्या होती है? सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। बाकी सारी क्या होती है? यह डिप्रेसिव ड्रग्स होती है। और यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर को अंडरलाइन किया हुआ है और आपको बताया था कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेजर चैप्टर्स हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो सेडेटिव हिप्नोटिक, एंटी सीजर, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग यूज इन पार्किंसिनिज्म, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, और साथ ओपियाइड्स को भी ऐड कर लेना। और यहाँ पे मैंने डॉक्टर नजीब की भी लिखे गया। स्टार्ट करते हैं एंटी सीजर ड्रग्स का। तो एंटी सीजर ड्रग्स वाला चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल और लेंथी है, लेकिन इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। अब इन मेनली इन सब में क्या चीज कॉमन है? सारे की सारी डिप्रेसिव होती है। कुछ क्या करती है? कुछ सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, कुछ क्या करती है? कुछ पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, कुछ क्या करती है? गाबा को स्टिमुलेट करती है, और कुछ ग्लूटामेट के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। क्योंकि सीजर के अंदर आपने क्या करना है? एक्साइटेटरी न्यूरॉन की एक्टिविटी को कम करना है और इनहिबिटरी न्यूरॉन की एक्टिविटी को बढ़ाना है। तो इनहिबिशन आप किस तरह से करोगे? गाबा को स्टिमुलेट करवा के, या सोडियम या कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करवा के, और इनहिबिशन वगैरह एक्साइटेशन को ना होने दो। ठीक हो गया। तो ग्लूटामेट को, सोडियम को, कैल्शियम को ब्लॉक करके गाबा को स्टिमुलेट करवा के एंटी सीजर ड्रग्स काम करती है। अब वो कौन सी ड्रग है जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है? ठीक है। तो पहली मेनली जो ड्रग है वो फेनिटोइन है। फेनिटोइन आपने पढ़ा होगा, क्लास 1B के अंदर भी आती है। टोपिरामेट है, कार्बामेज़ेपीन है, लैमोट्रिजिन है या लैमोट्रिगिन में से बोलूंगा, और ज़ोनासिमाइड है। ठीक हो गया। लेकिन हाई डोसेस के अंदर फिनोबार्बिटल और वैलप्रोइक एसिड, वैलप्रोइक एसिड तकरीबन सब में आ जाएगा। तो वैलप्रोइक एसिड आपने सब में लिख सकते हैं। ठीक है। गाबा, जो गाबा के ऊपर जाके काम करती है, कुछ क्या होते हैं? गाबा के एगोनिस्ट होते हैं, गाबा के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन को बढ़ाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ाती है, तो वो बेंजोडाइजेपिन है। लेकिन जो बारबिट्यूरेट होती है, ये टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। दूसरा, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो गाबा ट्रांसमाइनेज को ब्लॉक कर देती है। ये वही एंजाइम है जो गाबा को मेटाबोलाइज करता है। ठीक है। तो ड्रग कौन कौन सी? विगाबैट्रिन और वैलप्रोइक एसिड है, जबकि गाबा की रिएप्टेज को इनहिबिट करने के लिए टिया गैबिन होती है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो गाबा के एनालॉग होती है, उसमें गैबापेंटिन आती है। कुछ गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट कर देती है। ठीक है। जैसे फेल्बामेट है, टोपिरामेट है। ठीक हो गया। और वैलप्रोइक एसिड है। ठीक हो गया। ओके। जबकि कुछ ग्लूटामेट के रिसेप्टर ब्लॉकेज भी होते हैं, फेल्बामेट हो गया, टोपिरामेट हो गया, फिनोबार्बिटल हो गया। और जो ड्रग कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, तो उसमें इथोसुक्समाइड, वैलप्रोइक एसिड, गाबापेंटिन, टोपिरामेट और प्रीगैबलिन। ठीक है। प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन तो सिमिलर है, टोपिरामेट और वैलप्रोइक एसिड भी सिमिलर है, और इथोसुक्समाइड भी तकरीबन आ जाती है। अब जो सीजर्स है, एपिलेप्सी है, उसको हम सेपरेट वीडियो से वैसे कवर कर चुके हैं। एपिलेप्सी वाली वीडियो पहले आप उसको देख लेना। तो सीजर की बहुत सारी टाइप्स होती है और हर टाइप के लिए स्पेसिफिक ड्रग यूज होती है। तो पहला जो है एटोनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर, दूसरा एब्सेंट सीजर, तीसरा मायोक्लोनिक सीजर, और चौथा होता है बैकअप और एडजंक्टिव ड्रग्स होती है। बैकअप जब यूज करते हो, जब ये वाली ड्रग फेल हो जाएगी इन सीजर के लिए, या एडजंक्टिव जब यूज करते हो, जब आप एक दो ड्रग को मिला के एडिटिव इफेक्ट चाहते हो। तो टोनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है उसका निमोनिक है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पी से फेनिटोइन, वी से वैलप्रोइक एसिड, इसके बाद एल से क्या होगा? लैमोट्रिजिन या लैमोट्रिगिन होगा, और क्लोराइड या सीएल से भी क्लोराइड हो जाएगा। सी से क्या होगा? कार्बामेज़ेपीन है। ठीक है, कार्बामेज़ेपीन। ओके, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एब्सेंट सीजर और मायोक्लोनिक सीजर, इनमें क्लोनाजीपाम और वेलप्रोइक एसिड कॉमन है। इसको याद करने का तरीका क्या है? क्लोनाजीपाम के लास्ट में एम आ रहा है, तो ए से एब्सेंट सीजर, एम से मायोक्लोनिक सीजर। ठीक हो गया। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इथोसुक्समाइड ऐड कर दो, यहाँ पर लैमोट्रिजिन ऐड कर दो। ठीक हो गया। और कुछ बैकअप और एडजंक्टिव ड्रग कौन कौन सी है? जैसे फेल्बामेट होती है, ये एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, गाबापेंटिन कैल्शियम को ब्लॉक कर देती है, लैनकोसामाइड काफी सारी ड्रग्स है तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, लैमोट्रिजिन सोडियम और कैल्शियम दोनों को ब्लॉक कर देती है, लेविट्रासिटाम ये क्या करती है? सिनैप्टिक वेसिकुलर प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है, पिरैम्पेनिल क्या करती है? एएमपीए चैनल को ब्लॉक कर देती है, ग्लूटामेट क्या है? फिनोबार्बिटल, बारबिट्यूरेट, रेटिकेबिन क्या होती है? ये वही ड्रग है जो पोटेशियम चैनल को ओपन करा के हाइपरपोलराइजेशन करवा देती है।
बाकी रूफिनामाइड ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, टियागामिन क्या करती है, गामा माइनर ट्रांसफेरेस 1 को ब्लॉक कर देती है, टॉपिनामाइड सोडियम ब्लॉकर आ जाती है, ठीक है, वेगाबैट्रिन क्या होती है, गामा माइनर ट्रांसफेरेस को ब्लॉक कर देती है, जोनिसिमाइड क्या सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है। ओके स्टार्ट करते हैं यहाँ से फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन वगैरह आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि जो एंटी सीजर ड्रग होती है इनको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एपिलेप्सी एक क्रॉनिक फिनोमिना है, थोड़ा एक्यूट टर्म नहीं है बल्कि क्रॉनिक है। तो सीजर होते हैं वो एक्यूट होते हैं, लेकिन जो एपिलेप्सी है वो क्रॉनिक फिनोमिना, ठीक हो गया। जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं उनकी आपको प्लाज्मा की में डोज, कंसेंट्रेशन, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज को मेजर किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन के वाले फार्मूले को देखते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन ओरली देते हैं, जिसके बायोअवेलेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में इनकी अच्छी खासी है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म कराने के लिए हिपैटिक एंजाइम होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कौन सी है, गाबापेंटिन और वेगाबैट्रिन। किस तरह से याद रखना है, वेगाबैट्रिन का आप याद रख लो और जी आगे गाबापेंटिन हो गया, ठीक है। जो वेगाबैट्रिन था, वेगाबैट्रिन किस को ब्लॉक कर रहा था, आपको मैंने यहां से दिखाया था, वेगाबैट्रिन गाबा माइनर ट्रांसफरेज को, जबकि टियागामिन क्या करता था, टियागामिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करता था, गैट वन को, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। और फार्माकोकाइनेटिक यहाँ पे कहते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह होता है कि एक ड्रग होती है वो दूसरी ड्रग के मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, अगर एंजाइम्स की इंडक्शन कम हो जाएगी तो फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो पाएगा, तो उनकी क्लियरेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक हो गया, ओके। तो कहते हैं कि वो कौन सी, जैसे एक ड्रग है रिफैम्पिन, रिफैम्पिन करती क्या, रिफैम्पिन ऐसे एंजाइम को इंड्यूस करती है जो एंटी सीजर ड्रग को मेटाबोलाइज कर देती है, दैट इज वाई अगर रिफैम्पिन ले रहे हैं तो रिफैम्पिन की वजह से क्या होता है, कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन और दूसरी ड्रग का लेवल ज्यादा हो सकता है, तो इनकी टॉक्सिसिटी भी देखने को मिल सकती है। अब वन बाय वन पढ़ते हैं, पहले है फेनिटोइन को, फेनिटोइन की ओरल बायोअवेलेबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट पास डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, फर्स्ट पास डिफरेंस देखने को मिल सकता होता है। और आपको तीन ड्रग्स मैंने बताई थी, PEA, फेनिटोइन, एथेनॉल और एस्पिरिन, ये होती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। जैसे आप डोज बढ़ाते हो ना तो ये फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर काइनेटिक की तरफ चले जाती है। जो फेनिटोइन होती है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है 97 से 98%। जो फ्री फॉर्म होता है, जो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, वो ही असल में सारा काम करवाता है। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती है, कार्बामेज़ेपिन, सल्फोनामाइड, वेलपरोइक एसिड, को याद करने का तरीका क्या है, इसको CSV से याद रखना है, ठीक है, या CVS इसको याद रखना है, CVS है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सी से क्या होगा, कार्बामेज़ेपिन, वी से वेलप्रोइक एसिड और ऐसे सल्फोनामाइड होगा। ये क्या करती है, ये इसके साथ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इसके कम्पीट करती है, ठीक हो गया। मतलब अगर इनका लेवल ज्यादा होगा तो फेनिटोइन का फ्री लेवल भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लेगी। कभी कभार ऐसा होता है रिफैम्पिन या फिनोबारबिटल है वो लीवर के एंजाइम को इंड्यूस कर देती है, जबकि सिमेटिडिन और आइसोनियाज़िड इसके एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। फिनोबारबिटल बारबिट्यूरेट है, जबकि रिफैम्पिन के RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है। एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है, दोबारा से आइसोनियाज़िड, ये भी एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है। और सिमेटिडिन क्या है, H2 ब्लॉकर होती है, ठीक हो गया। इसके अलावा फेनिटोइन भी कुछ ऐसे एंजाइम को भी इंड्यूस कर देती है दूसरे ड्रग के मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम का, फॉर एग्जांपल कार्बामेज़ेपिन, क्लोनाज़ेपाम और लैमोट्रिजिन। तो उसको याद करने का तरीका क्या, CCL, ठीक है, CCL से आपने इसको याद रखना है, ठीक हो गया। इसके एक वाटर सॉल्युबल प्रोड्रग भी होती है जिसको फॉस्फेनिटोइन बोलते हैं। इसके बाद है कार्बामेज़ेपिन, कार्बामेज़ेपिन भी लीवर के मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम को इंड्यूस कर देती है। कौन कौन से वाले को, अब यहां पर जो आ गया है वो है VLC वाला, ठीक है, VLC, क्लोनाज़ेपाम, लैमोट्रिजिन और वेलप्रोइक एसिड। क्लोनाज़ेपाम, लैमोट्रिजिन और वेलप्रोइक एसिड तीनों के तीनों मायोक्लोनिक सीजर वाले को है, और इन तीनों को स्टिम्युलेट करवाते हैं कार्बामेज़ेपिन। तो आप ये लाइन अपनी किताब के ऊपर लिख लेना, कार्बामेज़ेपिन मायोक्लोनिक सीजर की ड्रग को बढ़ा दे रही है, ठीक हो गया। बाकी आपने और कुछ याद नहीं करना, बाकी इसका भी एक प्रो ड्रग होती है जिसको बोलते हैं कार्बेज़ेपिन, ठीक है। वेलप्रोइक एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेलप्रोइक एसिड क्या करती है, पहली बात वेलप्रोइक एसिड क्या करती थी, प्लाज्मा प्रोटीन से कम्पीट करती थी, जैसे आपको मैंने ऊपर निमोनिक बताया था, CVS, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके अलावा वेलप्रोइक एसिड कार्बामेज़ेपिन के एक्शन को भी या मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट कर देती होती है। दूसरी ड्रग्स क्या, दूसरी ड्रग्स जैसे गाबापेंटिन है, पिरिगैबलिन है, लेविट्रियासिटामा, वेगाबैट्रिन होती है। अब इनके बारे में क्या बात है, ये चारों ड्रग्स ऐसी है जिनका मेटाबॉलिज्म लीवर में नहीं होता बल्कि किडनी से एलिमिनेट होती है, अनचेंज्ड फॉर्म में होती है, और इनका कोई ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता। बल्कि इसके अलावा जो तीन ड्रग है इनका लीवर और किडनी दोनों के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, जिस तरह टियागामिन, टॉपिनामाइड और जोनिसिमाइड, ठीक हो गया। तो इसका निमोनिक क्या, इसका निमोनिक है TTZ, ठीक है, TTZ, या फिर आप ऐसे इसको याद रख लेना, जबकि गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन, लेविट्रियासिटाम और वेगाबैट्रिन, ठीक हो गया। तो इसको आप याद रख लो GPLV। तो ये जो ड्रग्स होती है ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, और 1 को V से लिख दिया उन्होंने, ठीक है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। तो G से गाबापेंटिन होगा, L से लेविट्रियासिटाम होगा, P से पिरिगैबलिन होगा, और V से वेगाबैट्रिन होगा। तो ये वाली ड्रग्स होती है, इनका लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, सिर्फ रीनल में होता है, जबकि इनका दोनों में होता है, चाहे वो रीनल हो चाहे वो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म हो। बाकी इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं चाह रहे। अब आपको बताया था कि इनकी डिफरेंट क्लासेस होती है। तो पहला होता है सोडियम चैनल
हार्मोनल ब्लॉकेज होता है, ठीक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, वो कौन कौन सी है? फेनिटोइन है, कार्बामेज़ेपिन है, लैनकोसामाइड है, लैमेट्रिजिन है, ज़ोनेसिबाइड। क्या करती है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। टोपिनामाइड भी इसी तरह से काम करती है। अब इनका जो एक्शन होता है वो रेट डिपेंडेंट होता है। रेट डिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऐसे चैनल को ब्लॉक करते हैं स्पेसिफिकली जिनका रेट काफ़ी ज़्यादा है, जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी से डिस्चार्ज है, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये क्या करती है? न्यूरॉन के रिफ्लेक्टिव पीरियड को बढ़ा देती है। इसके अलावा फिनोबार्बिटल और वेलप्रोइक एसिड ये भी बिल्कुल वैसा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर डोज को बढ़ाए, जब भी मैंने आपको लिखा था फिनोबार्बिटल और वेलप्रोइक एसिड जब डोज को बढ़ाएंगे तब एक्शन होगा ऐसा। इसके बाद है गाबा रिलेटेड टारगेट्स होते हैं, जो बेंजोडाइजेपिन होती है क्या करती है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, जबकि बारबिट्यूरेट क्या करती है? इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल एक्टिवेशन, ठीक हो गया। और कुछ गाबा अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम भी होते हैं, उनको ब्लॉक करने वाला वीगाबैट्रिन होता है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। इसके अलावा वेलप्रोइक एसिड भी ऐसा काम कर सकता है, मैंने यहाँ पर लिखा होगा वीगाबैट्रिन और वेलप्रोइक एसिड, ठीक हो गया, जब प्लाज्मा कंसेंट्रेशन बढ़ाएगी। इसके अलावा जो टियागैबिन होता है इसके ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसको बोलते हैं गाबा ट्रांसपोर्टर, गैट वन। गैबापेंटिन ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होती है, लेकिन ये गाबा के रिसेप्टर को डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं करती बल्कि इनडायरेक्टली एक्टिवेट करती है। तो जो स्ट्रक्चरल एनालॉग है मैंने यहाँ पर लिखा होगा स्ट्रक्चरल एनालॉग, तो वो गाबापेंटिन होती है। इसके अलावा जो दूसरी ड्रग्स है जो उसके एक्शन को फैसिलिटेट करती है वो है फेल्बामेट, टोपिरामेट और वेलप्रोइक एसिड, ठीक हो गया। इस नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर मैंने कौन कौन सी ड्रग्स बताई थी? तो सुक्समाइड बताई थी, वेलप्रोइक एसिड है, गाबापेंटिन, टोपिरामेट और पिरिगैबलिन आ जाती है। तो इथोसुक्समाइड क्या करती है? जो टी टाइप कैल्शियम चैनल होती है जिनका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम होता है, स्पेसिफिकली थैलेमस के न्यूरॉन के अंदर जो पेस मेकर तौर पर के तौर पे काम आते हैं, तो थैलेमस के न्यूरॉन को ब्लॉक कर देती है। इसी तरह वेलप्रोइक एसिड है, गाबापेंटिन, पिरिगैबलिन ये भी इसी तरह से काम करती होती है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लूटामेट के साइनेप्स के ऊपर। तो जो लेविटिरासिटाम क्या करती है? ये साइनेप्टिक वेसिकुलर टाइप 2 प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है, और इस प्रोटीन की ब्लॉकेज की वजह से ग्लूटामेट की रिलीज कम से कम होती है। इसके अलावा जो वेलप्रोइक एसिड होता है ना सिर्फ कैल्शियम चैनल के ऊपर काम करने को बल्कि सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करता है। इसके अलावा वेलप्रोइक एसिड क्या करवाता है? ये पोटेशियम के चैनल को भी ओपन करवाता है। और जो दूसरी ड्रग है वो है रेटिगैबिन, ये भी पोटेशियम चैनल को ओपन करा के हाइपरपोलराइजेशन करवा देती है। जो वेलप्रोइक एसिड है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, इसके बहुत सारे एक्शन है, तो आप किसी के अंदर भी लिख लेना वेलप्रोइक एसिड। सोडियम चैनल ब्लॉकर, गाबा रिलेटेड टारगेट में भी वेलप्रोइक एसिड आ जाता है, यहाँ पे भी वेलप्रोइक एसिड आ जाता है, हर जगह पर वेलप्रोइक एसिड आ जाएगा। जो फेल्बामेट होती है एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जो बारबिटल होती है ये सोडियम और गाबा दोनों के ऊपर जाके काम कर सकती है, और कहते हैं कि ग्लूटामेट के चैनल को भी एंटागोनिस्ट करती है, जबकि टोपिनामाइड करते हैं, टोपिनामाइड भी थोड़ा बहुत ग्लूटामेट के चैनल को एंटागोनाइज कर देती होती है, ठीक हो गया। अब क्लिनिकल यूजेस की तरफ आ जाते हैं। अब हर स्पेसिफिक सीजर के लिए हम स्पेसिफिक ड्रग की तरफ आएंगे। जो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर और फोकल या पार्शियल सीजर के लिए जो ड्रग यूज होती है वो कौन कौन सी थी? पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला मिमोनिक, PVCL, ठीक है। तो फेनिटोइन है, कार्बामेज़ेपिन, लैमोट्रिजिन और वेलप्रोइक एसिड होता है। तो वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन ये क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर या जिसको ग्रैंड माल सीजर बोलते हैं, ठीक है। जो फिनोबार्बिटल होती है वो अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पर काम आती है अडल्ट के अंदर, लेकिन इसके अलावा इन्फेंट के अंदर ये प्राइमरीली ड्रग यूज होती है, बाकी ड्रग इतने ज्यादा यूज नहीं होती। आपने मेन ड्रग को याद रखना है। जो मेनली जो ड्रग ऑफ चॉइस है फोकल पार्शियल सीजर के लिए वो कार्बामेज़ेपिन है, लैमोट्रिजिन है और फेनिटोइन है। बिल्कुल ऊपर वाली चीज लिखी हुई यहाँ पर, बस लैमोट्रिजिन को उन्होंने ऐड कर दिया है, बस ऊपर क्या था वेलप्रोइक एसिड होता है, यहाँ पर उन्होंने लैमोट्रिजिन ऐड कर दिया है। तो फोकल पार्शियल सीजर के लिए आप ये ड्रग वगैरह यूज करते हैं। एब्सेंट सीजर के लिए कौन सी होती है? एब्सेंट और मायोक्लोनिक के लिए पर क्या बताया था? यहाँ पर एथोसुक्समाइड होती है और वहाँ पर लैमोट्रिजिन होती है। तो इन सबको आप वहाँ से कवर कर लेना, लेकिन स्टेटस एपिलेप्टिकस का यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। तो इंट्रावीनस डायजीपाम, लोरजीपाम यूज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट अटैक के लिए। जो प्रोलॉन्ग थेरेपी के लिए हम फेनिटोइन वगैरह यूज कर सकते होते हैं, ठीक है। लेकिन फेनिटोइन का ये टॉक्सिटी होती है कि कार्डिक मसल को डैमेज करती है, कार्डियोटॉक्सिटी होती है, ठीक हो गया, ओके। और जिसकी वजह से हम फेनिटोइन के बजाय फोर्स फेनिटोइन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिनोबार्बिटल भी हम यूज़ कर सकते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए, स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के अंदर। और अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस ठीक नहीं हो पा रहा तो हम यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थीजिया। अब इनके दूसरे क्लिनिकल यूजेस भी होते हैं एनेस्थीजिया के अलावा, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनिक फेजेस को ट्रीट करने के लिए वेलप्रोइक एसिड, माइग्रेन के लिए फेनिटोइन और टोपिनामाइड होती है। न्यूरोपैथिक पेन के लिए गाबापेंटिन, पिरिगैबलिन, न्यूरालजिया, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के लिए कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सकार्बेज़ेपिन और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए स्पेसिफिकली इसके दोनों फेज को कम करने के लिए कार्बामेज़ेपिन और लैमोट्रिजिन, जबकि वेलप्रोइक एसिड लिथियम के साथ मिला के हम यूज करते होते हैं। अब इसके टॉक्सिसिटी देख लेते हैं। टॉक्सिसिटी चार पॉइंट्स है, टेराटोजेनिसिटी, ओवरडोज टॉक्सिसिटी, लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी और विड्रॉल। टेराटोजेनिसिटी क्या क्या हो सकती है? टेराटोजेन यहाँ पे लिखा हुआ है फीडल हाइडेंटाइन सिंड्रोम, ये प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है अगर वो फेनिटोइन यूज करती है, जबकि कार्बामेज़ेपिन की वजह से क्रेनियोफेशियल एनोमली हो सकती है, वेलप्रोइक यूज करने की वजह से स्पाइना बिफिडा हो सकता है। ओवरडोज से टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होगा? सीएनएस की डिप्रेशन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिप्रेशन होगा, तो उसको ट्रीट करने के लिए एयरवे को मैनेज करना पड़ेगा, मैकेनिकल वेंटिलेशन और
फ्लुमाजेनिल वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी अगर बेंजोडाइजिपिन ज़्यादा ले लिया है। अगर लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिटी के अंदर फीटल हिपाटोटॉक्सिटी वगैरह भी हो सकती है, वो किसकी वजह से होती है, वो वैलपुरोइक एसिड की वजह से, लैमोट्रिजन की वजह से स्किन की रैशेस हो जाती है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भी हो सकता है, ज़ोनोसिमाइट की वजह से सीवियर स्किन रिएक्शन हो सकता है, जबकि फेल्बामेट की वजह से प्लास्टिक निमोनिया और एक्यूट हिपैटिक फेलियर भी हो सकता है। तो ये सॉरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज में आ सकती है। अब यहाँ पर सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो एंटी एब्सेंस सीजर है इनका विड्रॉल करे तो रिलेटिवली लेस साइन सिम्टम आते हैं। ठीक है, विड्रॉल सिम्टम रिलेटिवली किसके काम आते हैं, एंटी एब्सेंस, ठीक हो गया, यानी जो विड्रॉल होता है वो किस में ज्यादा ईजी होता है, वो एंटी एब्सेंस वाली ड्रग के लिए ज्यादा ईजी होता है। विड्रॉल का मतलब ये होता है कि ड्रग छोड़ने के बाद इसके ऑपोजिट साइन सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये चैप्टर हो गया ओवरऑल। और इस जो टेबल है यहाँ से भी कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, सिर्फ आप उन्हीं को तैयार कर लेना, उनके टॉक्सिटी को भी यहाँ से तैयार कर लेना। ठीक हो गया, और यहाँ पर आप इस फ्लो चार्ट को भी अपनी किताब के ऊपर लिख लेना, इस फ्लो चार्ट को भी लिख लेना, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये थी वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।